pam wam wam mam mam ham ham sam sam tam tam pam pam jam jam dhim krim 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 dram dram dream dream dravai dravai namo arate bhagavate simate pavitra tarjalena janavase chyamite swaha तीर्थोत्तम भव नीरे क्षीरवारी रूपके स्थापयामि सुजन्मापसांगिनां सर्वार्थ सिद्धिदान ओम ह्रीं श्री वृषभादी वीरांताञ्जलेन स्नपयामिति स्वाहा नमो रते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंडय खंडय जहि जहि दह दह पच पच पाचय पाचय ओम नमो अरहं जं क्षीं क्षीं हं सं जं वं र यः स क्षां क्षीं क्षूं क्षें क्षै क्षो क्षौ क्षं क्षा क्षीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रें ह्रै ह्रो ह्रौ ह्रं ह्रः द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते ठठ सर्वेषां श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं सर्वेषां कार्यसिद्ध्यर्थं सर्वविघ्न निवारणार्थं श्रीमद्भगवत् सर्वज्ञ परमेष्ठी परम पवित्राय नमो नमः सर्वेषां श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादात् सद्धर्म श्री बल आयु आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वशिष्य परशिष्य वर्गा प्रसिद्धंतु नः ओम ऋषभादय श्री वर्धमान परिन चतुर्विंशति अरहंतो भगवंत सर्वज्ञ परम मंगल नामधेया सर्वेषां यह मुद्रि सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्येषु यह मुद्रि सिद्धिं प्रयच्छन्तु नः ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमत्पार्श्वतीर्थंकराय श्रीमद्रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजमूर्ते प्रभामंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय भगवान पार्श्वनाथ साक्षात क्षमा की मूर्ति हैं और करुणा उनकी संवेदना में सदैव रही है। जब कमठ के द्वारा तपस्वी के भेष में एक लकड़ी को जलाया जा रहा था तब राजकुमार पार्श्व जी ने यह देखा था कि अपने अवधि ज्ञान के माध्यम से कि इस लकड़ी में नाग और नागिन हैं और उन्होंने तपस्वी से कहा कि एक तू घोर पाप कर रहा है जिस लकड़ी को जला रहा है उसमें नाग और नागिन हैं। उसने कुल्हाड़ी उठा करके लकड़ी को फाड़ दिया, लकड़ी को फाड़ा तो उसमें से नाग और नागिन निकले। लेकिन पार्श्वनाथ भगवान के लिए उन नाग नागिन को जब उन्होंने नमोकार मंत्र सुनाया तो वो नाग नागिन मर करके स्वर्ग में गए और वहाँ धर्णेन्द्र पद्मावती हुए। उन्हीं धर्णेन्द्र पद्मावती होने का उनके लिए कोई विषय वाली बात नहीं थी, लेकिन पार्श्व कुमार के अंदर जो जीवों के प्रति करुणा थी वही करुणा उनकी तपस्या में साकार हुई। घोर उपद्रवी उपसर्गी काल संबर देव ने पार्श्वनाथ भगवान पर ओले सोले सब कुछ बरसाए, मगर उन्होंने काल संबर के द्वारा किए गए 7 दिन के उपसर्ग पर उपसर्गी काल संबर को क्षमा किया। इसी क्षमा का परिणाम भगवान पार्श्वनाथ आज अंतरिक्ष पार्श्वनाथ अहिक्षेत्र पार्श्वनाथ बिजोलिय पार्श्वनाथ समेत शिखर के पार्श्वनाथ और विश्व के हर एक मंदिर में विराजमान पार्श्वनाथ, हर जैन मंदिर में पार्श्वनाथ भगवान की एक मूर्ति अवश्य मिलेगी। किसी तीर्थंकर की मिले अथवा न मिले परंतु भगवान पार्श्वनाथ की तो अवश्य मिलेगी। ऐसे पार्श्वनाथ अंतरिक्ष सिरपुर में आज मुनिश्री सौम्य सागर जी ससंग पधारे और उनकी भावना है कि आचार्य श्री स्वस्थ हों, चिरायु हों, दीर्घायु हों, पूर्ण आयु हों और उनके लिए हम सबकी उम्र लग जाए, मेरा पूर्ण विश्वास है। क्योंकि साधु के पास व्याधियों के उपसर्ग आते रहते हैं,
और आचार्य श्री इसके लिए अपवाद नहीं है। उनके ऊपर भी व्याधियों के अनेक उपसर्ग आए। जब से मैंने आचार्य श्री से निकटता बनाई और 1978 से लेकर के 78 में भी नैनागिर में यह स्थिति बन गई थी कि आचार्य श्री ने घोषणा कर दी थी कि मैं संलेख न ले रहा हूँ।